वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू सेठ ब्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अभी लगभग 5 बज रहे थे और शाम के टाइम में भाजी बेचने के लिए आया था तो मैंने लिया था, तो उसी को साफ़ कर रही थी क्योंकि शाम के टाइम में साफ़ कर लेती हूँ ना, तो सुबह मुझे बहुत ही अच्छा से मतलब खाली खाली लगता है और तुरंत बन भी जाता है। इसको साफ़ करने में बहुत ही टाइम लगता है तो इसीलिए मैं हर भाजी को शाम को ही साफ़ करके रख लेती हूँ। और हाँ, प्लीज़ अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और किसी ने मुझसे कमेंट किया था, सिस्टर आपके कड़े बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, तो सिस्टर ये कड़े मैंने मीशो से ऑर्डर करके मंगाया था और बहुत ही अच्छे हैं, पहनने में भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। कोई भी देख रहा है तो बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहा है, तो इसको मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, कहीं लोकल मार्केट से नहीं लिया था, तो मैंने सोचा आपको बता ही देती हूँ। आपको बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, आपने पूछा भी है कि आपने कहाँ से लिया है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो मैंने इसको मीशो से लिया है सिस्टर। और यहाँ मैंने भाजी को साफ कर लिया है और अब मैं इसको रख दूंगी, कट करूंगी तो कल सुबह ही। तो अभी मैंने साफ कर लिया है ये भाजी क्योंकि मुझे कल सुबह बनाना है और कल बहुत ही लेट हो जाता है सुबह में, जब सुबह का मैं लंच वगैरह नाश्ता वगैरह बनाने में बहुत ही टाइम लग जाता है, उसमें उसकी मेरी बेटी का ऑनलाइन क्लास भी चलता है, तो मैं साग भाजी जो भी होते हैं सब्जी वगैरह रात में ही काट के रख लेती हूँ क्योंकि सुबह में बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाता है, हड़बड़ी होता है। तो अभी शाम हो चुके हैं और मैं बालकनी में बैठ करके ही भाजी साफ कर रही थी, आप लोगों ने देखा ही, और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ। देखिए भाई, मेरा बेटू महोदय सोए हुए हैं, दिन भर नहीं सोए हैं, शाम के टाइम में सो गए हैं। अभी ये सोए हैं, लगभग आधा घंटा हो गया जब मैं भाजी साफ करने गई ना, तो उसके बाद ये सोए हैं तो मैंने इनको सुला दिया है। चलिए चलते हैं, अब बेटिया को देखते हैं क्या कर रही है। क्या कर रहे हो बेटा, हेलो बोलो। हेलो। और ये देखिए इनका हेयर कट हो गया है, थोड़ा दिखाना बेटा कैसे लग रहे हो, दिखाओ, लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो वाला, चलो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है। अब पीछे घूमो, पीछे, ये देखिए इतना शॉर्ट किया है। आप लोगों ने कमेंट में, बहुत लोगों ने कमेंट में बोला था कि बॉय कट नहीं कराना, थोड़ा सा छोटा करा दो, किसी किसी ने बोला था बिल्कुल भी कट नहीं कराना, बट आप लोग को पता है जिसने भी बोला था कि बिल्कुल भी कट नहीं कराना उनको मैं बता रही हूँ, ये चुटिया झाड़ने पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और इसका सर दर्द होने लगता है और खुले बाल उतना लंबा अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है और कट करवा दिया है और थोड़ा सा लेंथी, देखिए आज ही कट हुआ है इसका हेयर, फ्राइडे। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अभी ये गए हैं महीने का राशन लाने क्योंकि राशन ख़त्म हो चुके हैं लगभग, और आज 2 तारीख है, तो मैंने इनसे बोला है कि जाके लाइए, उन्हें अभी लाया है, प्याज और आलू ला दिए हैं और बाकी जो सामान है उसको लेने गए हैं।
और थोड़ा सा मैं गई थी वहाँ जुनवानी रोड मॉल में, तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ ला लिया था, लेकिन पूरा ग्रोसरी का सामान मैंने नहीं लिया था। तो अभी ये गए हैं लेने के लिए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ क्या क्या लाए हैं। ये देखिए, ये 5 किलो अनियन ला दिए हैं। आई थिंक महीने भर चल ही जाता है, लगभग 1-2 किलो और मंगा लूँगी तो हो जाता है, 7 किलो लगभग लग जाते हैं महीने में। और ज़्यादा पकौड़ी भजिया वगैरह जब तलते हैं तभी लगता है, नहीं तो आई थिंक हो ही जाता है इतने में। और ये पोटैटो लाए हैं, जो कि ये भी 5 किलो है, 5 किलो पर्याप्त है, पूरे महीने चल जाते हैं। और आलू वगैरह बहुत ही कम खाते हैं हम लोग, और ये 5 किलो आलू ला दिए हैं। अभी इतना ही सामान लाए हैं, बाकी जो भी सामग्री लाएंगे वो अभी लाने में टाइम है, क्योंकि अभी तो निकले हैं वो घर से, उसके बाद ही मैं बैठी थी भाजी वगैरह साफ करने हैं। और अभी बज रहे थे, जब मैं भाजी साफ कर रही थी तो 5 बज रहे थे, अभी 6 बज रहे हैं। 1 घंटे हो गए मुझे भाजी साफ करते और आप लोगों से बातें करते। तो फिर बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और देखते रहिएगा थोड़ी देर और। ये देखिए, सारे जितने भी 1 मंथ का सामान था सब ला दिए हैं मैंने, थोड़ा थोड़ा करके ही मंगाया है। और पूरा महीने भर का राशन आ चुका है, और राशन में मुझे गेहूं मंगाना था। हम लोग गेहूं ला के घर में और उसको आटा बनवाते हैं, क्योंकि वही बेस्ट रहता है। और ये देखिए, थोड़े बहुत है चिप्स वगैरह है, और ब्रिटानिया टोस्ट है, और नमक वमक के पैकेट हैं, चावल और दाल पहले ही ला दिए थे, और बाकी जो जो सामग्री है सब आ गया है। देखिए, पूरे मंथली का थोड़े थोड़े करके ही मैंने मंगाए हैं। सारे सामान सैनिटाइज भी हो चुके हैं, इन्होंने ही कर दिया, क्योंकि अभी ये नहाने वाले थे तो बोले कि रन दो, मैं ही कर देता हूँ। और अब चले गए थे वो नहाने के लिए। और इसके बाद देखिए, जितने भी सामान हैं सब मैंने मंगा लिए हैं, और कुछ कुछ सामान मैंने पहले ही ला लिया था, इसलिए इस मंथ में कुछ कम ही लाना पड़ा, क्योंकि जुनवानी रोड जब मैं गई थी ग्रोसरी के सामान बहुत सारे आ भी चुके हैं, और जो नहीं थे उसको लाए हैं अभी। करूँगी रात के डिनर की तैयारी, और अभी बन रही है मेरी चाय, चाय वगैरह पियेंगे और उसके बाद रात के डिनर की तैयारी करूँगी। और देखते हैं क्या बनेगा, भिंडी वगैरह पड़े हैं, भिंडी का सब्जी और रोटी बनाऊँगी, और अभी कोई क्लियर भी नहीं है क्या बनाऊँगी। तो बस मैं सोच रही हूँ इस वीडियो का यहीं पर कर दूँ एंड। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप सभी को मिले। इसी के साथ धन्यवाद, सिर्फ राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो पूरा देखने के लिए।